अरे बहन जी याला देखिए या अरे भाई चमन, ओ चमन, अरे बलवे, हाँ किधर गए थे तुम? गांव में बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। अरे मौसी बीमार थी मेरी, इसलिए उसे देखने के लिए शहर गया था। रघु को देखा था मैंने शहर में एक लड़की के साथ। क्या? एक लड़की के साथ। अच्छा, मेरे सामने गाड़ी से नीचे उतरा और सीधा बैंक में जा घुसा। मुझे तो लगता है कि वो शहर जाकर बड़ा ही सेठ बन गया है। अच्छा, अगर वो वापस नहीं आएगा तो तुम्हारे पैसे तो गए ना। अच्छा, अरे रघु नहीं तो क्या हुआ, शारदा तो है। तुम सब लेनदारों को अपने साथ लेकर जाओ और जाकर पूछो उससे कि तुम्हारा कर्जा लौटाने के बारे में क्या सोचा है। अरे वाह रघु जी, तुम्हारा ये बड़ा दिन है। आप खोलिए। नहीं नहीं तुम करो। नहीं आप ही खोलो। अरे भाई कोई तो खोलो। अच्छा मैं ही करती हूँ। थैंक यू, मुबारक हो। आपको भी भाई। मुबारक हो श्याम, आजा। जमाई राजा, मेरा मतलब है रघु भैया, मैं तो कुछ कहना भूल गया था। चलिए चलिए। तो कुछ चाहिए श्याम? वो लो ना। तो तुम और रघु बहुत पुराने दोस्त हो, क्यों? हाँ। जहां भी जाते हो एक साथ जाते हो। दोस्त हैं बचपन के, तो साथ में जाएंगे। क्या बात है, मैं जरा रघु को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम पीछे पीछे मत आना। मैंने कब कहा कि मैं साथ में आ रहा हूँ? वेरी गुड, अगर रघु तुम्हें साथ चलने को कहे तो उसे भी है कहना तुम। ओके रघु। हम तो इनके लिए कचरे के समान हैं, जब जी चाहा फेंक दिया। तुम बुरा मत मानना। चलो चलो, कस्टमर्स आते होंगे, चलो। अच्छा बाबा जरा हाथ दे के ये तो बताओ, गोपी मुझसे शादी करेगा भी? मुझे तो बहुत चिंता होती है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, पूरे 50 रुपए लूंगा। 50? हाय राम, ये तो बहुत ज्यादा है। अब तुलसी मत आना इसकी बातों में, आपको शर्म नहीं आती? भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हो, किसी की किस्मत उनके हाथों में नहीं लिखी होती। फिजूल के पैसे बनाते हो, वो भी ऐसे लोगों से जिनके पास पहले से कुछ नहीं है सिवाय उम्मीद के। दूसरों की उम्मीद पर अपना धंधा चलाते हो, ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना। तुलसी बिल्कुल मत आना इसकी बातों में। उसे होशियार रहना चाहिए, उसके उसके मर्द का दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। दीदी ठीक ही कहती है, तेरी बातों में नहीं आना चाहिए, कुछ भी बकता रहता है। अच्छा हुआ उन्होंने नहीं सुना।